हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज हम इस लेसन में शेक्सपियर से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे। और जैसे कि मैं कई लेसन इनके पहले भी बना चुकी हूँ, इनके वर्क्स, इनकी बायोग्राफीज, इम्पॉर्टेंट उनका जो पर्टिकुलर चैप्टर भी इनके बनाए हैं, जो इनके वर्क है एज यू लाइक इट का, मैकबेथ का, लेकिन हर बार इनके क्वेश्चन हमें नए ही मिलेंगे क्योंकि इनके वर्क्स का, इनके क्वेश्चन बनने का कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे इनके क्वेश्चन बनते हैं, पर जितना ज़्यादा हम पढ़ लें वो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो इस लेसन में भी नए ही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, और यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ही, और जो भी हमारे एस्पायरेंट हैं इंग्लिश लिटरेचर के उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आपको इतना कंसिडर करना है, जो भी नाम आ रहे हैं के इस वीडियो में, इस लेसन में, शेक्सपियर के जितने भी प्लेयर्स हमें मिले हैं, उनके जो भी कैरेक्टर्स हमें मिल रहे हैं, उस पर आपको फोकस करके चलना है। एक आप अलग से इनका भी नोट्स बना सकते हो कि कौन सा कैरेक्टर है और किस प्ले में है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस। इनमें से कौन सी जो बुक है शेक्सपियर की सक्सेस की स्टार्टिंग है वहाँ से? तो आंसर इज सी, वीनस एंड एडोनिस, जो कि इनकी लॉन्ग नरेटिव पोयम है। स्टूडेंट्स, यस, जैसा कि हम, ये अपने प्लेस के लिए फेमस है, बट ये इनकी फेमस पोयम है वीनस एंड एडोनिस, जो कि पब्लिश हुई थी 1593 में, और सक्सेस का इनका स्टार्ट हुआ था, लिटरेरी करियर की सक्सेस की स्टार्टिंग मानी जाती है। मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो आर शेक्सपियर्स। तो ये जो इनका है मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, ये इनकी फोर ग्रेट ट्रेजेडीज कंसिडर की जाती हैं। यस, क्वेश्चन ऐसे बनता है, फोर ग्रेट ट्रेजेडीज, तो इनमें से कौन सी नहीं है? अब इन चारों के अलावा अगर कोई और भी लिखा है तो आप उसको नहीं पे टिक करेंगे। यस स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो आर शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, और यही फोर ग्रेट ट्रेजेडीज इनकी कंसिडर की जाती हैं। इसका भी एक यूनिक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रॉट शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। यस, ये क्वेश्चन है इनके लिए जो बुक्स लिखे गए हैं इनके बायोग्राफी पर, इनके वर्क्स को अनदर राइटर्स, ऑथर्स ने अपने तरीके से उसमें कुछ ऐड करके, उसको और कुछ भी करके, इन्हांस करके उसकी ब्यूटी को, हालांकि इनके वर्क्स अपने आप में कंप्लीट है, फिर भी डिफरेंट करके बहुत ऐसे वर्क लिखे गए। तो ये जो वर्क है, शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 पब्लिशिंग ईयर एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, तो ये किसने लिखा था? एच बी कर्ल्टन ने ये दो वर्क लिखे थे, शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पीजीटी में पूछा गया था ये, आइडेंटिफाई द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछ लिया यहाँ पे इनके, मतलब इनका ईयर कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया। सो द आंसर इज, इसमें जो है बी है स्टूडेंट्स, और इनका मैं आपको बता दूँ, ये जो है द टेमिंग ऑफ द श्रू, तो इसका रिटन ईयर है 1593 to 1594। बुक्स में या एक ऐसे, तो ऐसे ही लिखा जाता है क्योंकि रिटन ईयर है ना, लिख रहे हैं। एंड देन जूलियस सीजर हमारा आ जाता है 1599, देन मैकबेथ इन 1605 or 06 टाइम के समय, एंड देन द टेम्पेस्ट जो कि 1611-12 के समय आया था, ठीक है, लिखे गए थे ये। तो ऐसे ही इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको फिट करना था। और देखिए, आपको ये सारे नॉलेज होना चाहिए, ये इनके सारे वर्क हैं और इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हम इसका आंसर यहाँ देख लेंगे डिटेल से। ये भी मैंने ले ही लिया है, देखिए बी इसका आंसर है, टेमिंग ऑफ द श्रू, देन जूलियस सीजर, मैकबेथ एंड टेम्पेस्ट। थोड़ा डीप चल जाएगा, पर हाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको अगर थोड़ा सा भी हल्की फुल्की नॉलेज है, जैसे कि टेम्पेस्ट उनका काफ़ी बाद में आया था, टेमिंग ऑफ द श्रू स्टार्टिंग में आया था, और अगर आपको इन दोनों के पब्लिशिंग रिटन ईयर पता है, तो भी आप ऐसे इनको फिट कर सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के वे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। द बार्ड ऑफ एवन किसे कहा गया? तो ऑब्वियसली शेक्सपियर को कहा गया है। स्टूडेंट्स, शेक्सपियर के जो जन्म है वो है 1564 में, एंड डेथ है 1616 में, और कहाँ? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन जो है दैट रिवर नेम, एंड इनको क्या कहा गया? द बार्ड ऑफ एवन, बार्ड यानी कि वहाँ का बच्चा, लाइक स्टूडेंट एवन का, ऐसे। तो एवन इनका, इनके
बर्थ प्लेस और डेथ प्लेस में एवन जो आता है तो वहीं से ये नीले बोला गया इनको एवन बार्ड ऑफ एवन, ठीक है, शेक्सपियर को बोला गया। रिवर नेम था जहाँ इनका स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन का जो जन्म हुआ है वाक विक्शायर इंग्लैंड में, ये सभी ने पढ़ा है, 1564 में हुआ था। तो अब इनको बोला तो गया है द बार्ड ऑफ एवन बाय होम, किसके द्वारा? सो आंसर इज बैन जॉनसन। बैन जॉनसन ने इनको द बार्ड ऑफ एवन करके कहा है, उपाधि दी है। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज Viola is shipwrecked on the coast of Illyria and she comes ashore with the help of a captain. Opening parts है, कौन से प्ले का है, opening line है, किस प्ले की है, या फिर ये quotation ही किस प्ले की है, ऐसे भी question आपका बन जाएगा। So the answer is D, Twelfth Night. Twelfth Night का है। Viola is a main character in Twelfth Night play. ओके, ट्वेल्थ नाइट जो प्ले है स्टूडेंट्स, उसके मेन कैरेक्टर है ये वायला एंड सेबेस्टियन आल्सो। और ये जो इनका प्ले है ये रोमांटिक कॉमेडी है, ट्वेल्थ नाइट कॉमेडी है, ठीक है। एंड 1602 इसका रिटन ईयर है। ओके, रिटन ईयर यहाँ पब्लिशिंग ईयर नहीं चलते इनके, रिटन या फर्स्ट परफॉर्मेंस के ईयर चलते हैं, क्योंकि फिर ये सारे पब्लिश हुए थे फर्स्ट फोलियो में आफ्टर शेक्सपियर डेथ इन 1623। आप इनकी बायोग्राफी को देखेंगे आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा वहाँ से। चलिए, तो ये हो गई कोटेशंस वायला करके, तो आप ट्वेल्थ नाइट, अगर आपको कोटेशंस भी नहीं पता, आपने वायला पढ़ लिया, तो वायला करेक्टर ट्वेल्थ नाइट में जैसे आप इस पर टिक कर सकते हैं। हु इज द डॉटर ऑफ शाइलॉक इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस? तो शाइलॉक कैरेक्टर है इन मर्चेंट ऑफ वेनिस में, पहली बात हो गई। और फिर शाइलॉक की बेटी का नाम पूछा है यहाँ पे, तो वो है जैसिका। ओके, मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है? कॉमेडी है, इसकी थीम है डेप्ट, डेप्ट करके जो ऋण लिया जाता है उस पर यह वर्क लिखा गया है। एंड कॉमेडी है, 1605 रिटन ईयर इसका कंसिडर किया जाता है। शाइलॉक कैरेक्टर कहाँ है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके, इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस द फॉलोइंग लाइन्स अपियर? अगेन लाइन्स हम नहीं छोड़ते, हम लाइन्स के क्वेश्चन स्पेशल हम रखते ही हैं, क्योंकि वो होते हैं इंपॉर्टेंट, मे बी उनको छोड़ के आगे बढ़ो ऐसा तो हो नहीं सकता। ब्लो ब्लो यू विंटर वेन दो आर नॉट सो काइंड एज मैंस इन ग्रैटिट्यूड, ये लाइन आपको कहाँ मिलेंगी? आंसर इज बी, एज यू लाइक इट में मिलेंगी आपको स्टूडेंट्स ये लाइन। एंड जो एज यू लाइक इनका वर्क है 1599 में पब्लिश हुआ है। ओके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका ये वर्क, एज यू लाइक इट 1599 में आया था। इसकी मेन कैरेक्टर हमको मिलती हैं रोजालिन। ओके, इनकी कहानी का मैंने अलग से लेसन बनाया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे हमें, जैसे कि एज यू लाइक इट है, इसे आप अलग से भी देखना चाहें तो उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी। शेक्सपियर के और भी जितने भी लेसन्स हैं उनका लिंक शेयर कर दूंगी। वीनस एंड एडोनिस को लेकर भी मैंने एक लेसन अलग से बनाया है। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, तो जैसे कि कॉमेडी और ट्रेजेडीज़ इनके हैं, वो भी मैं अपलोड करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, मैंने सब कंसिडर करे हैं। फॉर वॉट इज़ द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज बाय शेक्सपियर? जो ये फ्रेज है द माउस ट्रैप, जो वर्ड है माउस ट्रैप, इन्होंने शेक्सपियर ने कहाँ यूज़ किया है और ये है क्या? सो स्टूडेंट्स आंसर इज सी, द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट। हैमलेट प्ले में एक प्ले इन्होंने इंसर्ट कराया है, प्ले प्ले तो है, प्ले लिखा है, बट उसमें भी एक और प्ले इंसर्ट करा दिया, दैट इज़ द माउस ट्रैप उसका टाइटल है, फ्रेजेस है। तो ये प्ले विद इन द प्ले हैमलेट, हैमलेट में है ये, ऐसे भी बनेगा किस में ये प्ले विद इन प्ले किस में कराया, दैट इज़, और माउस ट्रैप ही पूछ लिया है क्या ये माउस ट्रैप, तो एक प्ले का नेम है जो कि हैमलेट में एक प्ले है, और हैमलेट क्या है? ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदर अबाइड अवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री। तो हमने जहाँ मैथ्यू और नोल्ड पढ़े थे वो बच्चों को ये तुरंत आ जाएगा आंसर कि ये किसने कहा, हु सेड दिस अबाउट शेक्सपियर, शेक्सपियर के लिए ये लाइन कोटेशंस किसने बोली है? मैथ्यू और नोल्ड ने बोली है, अदर अबाइड अवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, और इन्होंने लिखा था एक सॉनेट मैथ्यू और नोल्ड ने शेक्सपियर को डेडिकेट करते हुए, जिसका टाइटल था शेक्सपियर, यस टाइटल ही शेक्सपियर था, तो उसमें उन्होंने ये लाइन बोली है अदर अबाइड अवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री। हु हैज़ रिटन सिम्बल लाइन? सिम्बल लाइन इज अ वर्क
प्ले है, शेक्सपियर का है, और फर्स्ट फोलियो में तो इसको ट्रेजेडी बताया गया है, लेकिन कंसिडर इसको कॉमेडी और रोमांस भी कर लिया जाता है, हम लोग ट्रेजेडी पे ही रखेंगे इसको। हु हैज़ रिटन सिम लाइन, तो आंसर इज शेक्सपियर, शेक्सपियर का इम्पोर्टेंट वर्क है प्ले। हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये जो उनके सोनेट कितने हैं और किस किस को एड्रेस हैं और कितने कितने एड्रेस किए हैं, ये हमें फिंगर पॉइंट पे आंसर इसके आने चाहिए, बिल्कुल वर्बली आने चाहिए। यस स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इफ़ यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल दिस थिंग, यू शुड नो। तो डार्क लेडी को इन्होंने कितने डेडिकेट किए थे, आंसर इज डी 26 जो थे इन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किए थे, और टोटल इनके सोनेट है 154, जिसमें से 26 इन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किए थे एंड जो रिमेनिंग थे वो इन्होंने किए थे अपने एक कहते हैं रहस्यमय सीक्रेट पर्सन थे वो कोई W. हर्बर्ट, ओके विलियम हर्बर्ट उनको। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, वॉट इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियर सोनेट, तो वही है ना शेक्सपियर के सोनेट्स में जो मिस्टर WH का नाम आया है, जिनको इन्होंने अपने सोनेट्स डेडिकेट किए हैं उनका फुल नेम क्या है, दैट इज़ ए विलियम हर्बर्ट। हु हैज़ रिटन हैमलेट एंड इस प्रॉब्लम, देखिए अब हैमलेट तो हमारा वर्क शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, बट हैमलेट एंड इस प्रॉब्लम अगेन किसने लिखा, तो आंसर इज बी ईलियट, T.S. ईलियट ने लिखा है, T.S. ईलियट, थॉमस स्टर्न ईलियट, इन्होंने लिखा है ये वर्क हैमलेट एंड इस प्रॉब्लम, कब लिखा था 1919 में, क्रिटिकल रीडिंग जस्टिस की थी इन्होंने, ओके हैमलेट एंड इस प्रॉब्लम बाय T.S. ईलियट। अगेन इनकी एज पूछ ली, बहुत ही सरफेस का क्वेश्चन है, एलिजाबेथन एज को बिलोंग करते हैं स्टूडेंट से विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज, और ये इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज भी कहा जाता है। एलिजाबेथन एज का जो मैंने लेसन बनाया है वो भी मैं इसमें अपलोड कर दूंगी, ओके तो शेक्सपियर एज भी कहते हैं एलिजाबेथन एज को, एज मैंने समझाए थे क्यों किस वजह से नाम राइटर का नाम भी दे दिया जाता है, उस एज में जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं तो उस राइटर के नाम से उसको कहा जाता है, अलग नहीं होते हैं वो। द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट्स इज, क्या है मेन थिंग इनके सोनेट की, आंसर इज ए लव, लव इज़ द मेन थिंग। अ शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद अ, तो कपलेट, ये मुझे आपको डिटेल से थोड़ा बताना है कि इनके जो सोनेट्स हैं ना, एक सोनेट्स के टाइप होते हैं लिखने, सोनेट क्या है 14 लाइंस की पोयम होती है, 14 लाइंस, ना एक कम ना एक ज़्यादा, तो इसको भी एक वे में रखा जाता है कि 3-3-3 एंड देन 3-3-3 ऐसे, और फिर लास्ट में 2 लाइंस हो गए ना, और सॉरी तो ऐसे हो जाते हैं लाइक करके 14 लाइन तो हमें करनी है, 4-4 के सेट रख दिए जाते हैं, तो वही है। तो शेक्सपियरियन सोनेट का क्या पैटर्न है, चलिए हम देख लेते हैं, देखिए ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बार आप समझ लेंगे, देखो ये तो पेट्रार्कन सोनेट है, जब आप सोनेट का वीडियो देखेंगे मैंने जो बनाया है कि सोनेट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में, वहाँ समझेंगे, बस यहाँ शॉर्ट में देख लेंगे शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है। शेक्सपियरियन सोनेट ये देखिए क्वाट्रेन क्वाट्रेन क्वाट्रेन, मतलब क्वाट्रेन क्या होता है, 4 लाइन के जो स्टेंजा होते हैं उनको क्वाट्रेन कहते हैं, 2 लाइन के स्टेंजा को कपलेट कहते हैं, तो जब 4 लाइन लिखें उसको क्वाट्रेन, तो ऐसे 4-4 के 3 सेट हो गए तो ये 12 लाइंस हो गए, और लास्ट में ये एक कपलेट रख देते थे यानी कि 2 लाइन, तो ये हो जाती थी 14 लाइंस और टोटल। तो यही तो क्वेश्चन पूछा है ना कि शेक्सपियर के जो सोनेट है वो एंड होते हैं कपलेट से, ओके कपलेट से एंड होते हैं, तो इनका शेक्सपियरियन सोनेट का पैटर्न भी आपने देखा, 3 क्वाट्रेन एंड 1 कपलेट, ये इंपॉर्टेंट है, क्लास समझिए इसको, एंड इसकी जो इनकी जो राइमिंग स्कीम है वो भी आप ध्यान रखेंगे, ये वाली ए बी एंड सी डी देन ई एफ ई एफ एंड लास्ट में जी जी जी, हाँ क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, और इसको मैं और आपको समझा दूँ, यहाँ देखिए जैसे कि ये शेक्सपियर का सोनेट नंबर 18 है, हाँ इनके सोनेट नंबर से कंसिडर किए जाते हैं, और जिसका टाइटल ऐसे भी आप देख लेंगे जो, और फिर उसका टाइटल क्या है, तो टाइटल है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, यस यस, बिकॉज जब उसका कोई टाइटल नहीं होता है तो फर्स्ट लाइन को टाइटल कंसिडर कर लेते हैं, तो ये इनका एक सोनेट है सोनेट नंबर 18, और इसको समझेंगे आप लोग, ये है देखिए 4-4, ये 4 लाइन देन 4 लाइन देन 4 लाइन, ऐसे 3 हो गए एंड देन लास्ट में इन्होंने एक कपलेट रख दिया 2 लाइन्स यानी कि,
है ना। थीम्स भी समझ, राइमिंग स्कीम तो मैं समझा ही चुकी हूँ, बस एक एक स्टंजा की मैं समझा देती हूँ। लास्ट जो वर्ड होता है इसको कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, डे और मे, ये राइम कर रहे हैं तो इनको ए और ए दे देंगे, एंड टेम्परेट एंड डेट ये राइम कर रहे हैं, देन बी बी, ऐसे इसको राइमिंग स्कीम हम कहते हैं, इसको ऐसे फिट किया जाता है राइमिंग पैटर्न को। तो क्लास हमने देखा इनका क्या, शेक्सपियरियन सोनेट का पैटर्न एंड राइमिंग स्कीम क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। जैसे कि मैंने आपसे कहा था मैं थोड़े यूनिक ही क्वेश्चन रखने वाली हूँ, कोई रिपीटिंग क्वेश्चन नहीं जाएंगे इधर। तो देख लेंगे, विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, कौन सा लास्ट सोनेट है इनमें से, इन्होंने जैसे कि सोनेट्स लिखे हैं। सो द आंसर इज डी, द लिटिल लव गॉड लाइंग वन स्लीप। ओके, ये इनका लास्ट सोनेट है। तो फर्स्ट सोनेट, लास्ट सोनेट, ऐसे कुछ सारे तो आप नहीं देखेंगे, 154 है टोटल, 154 हैं, कितने किसको डेडिकेट किए वो, और ये लास्ट द लिटिल लव गॉड लाइंग वन स्लीप, ये हो जाएगा इसका लास्ट सोनेट का इनका नेम। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपियर्ड, जैसे कि इनके सारे प्लेस फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुए थे, तो ये कब आया था, ये कब पब्लिश हुआ था। सो द आंसर इज 1623 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट फोलियो, और इसमें इनके सारे प्लेस इंक्लूड थे। नाउ ए सी ब्रेडलेस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वर्क है एक और जो कि ए सी ब्रेडले ने लिखा है, वो कब पब्लिश हुआ था। तो आंसर इज बी, 1904 में पब्लिश हुआ था शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बाय ए सी ब्रेडले। हमें को ये याद रखना है ये नाम के साथ, शेक्सपियर ट्रेजेडी बाय ए सी ब्रेडले, क्योंकि बहुत इनके लिए का अच्छे से अच्छे ऑथर्स ने भी शेक्सपियर के वर्क्स को लिखा है और उस पर कुछ ना कुछ रिमार्किंग लिखा है। तो ए सी ब्रेडले ने शेक्सपियर ट्रेजेडी लिखा था, 1904 में पब्लिश हुआ था। अगेन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेस आर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, अगेन इनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछ लिया गया है, इसका आंसर डी है। एक मिनट सॉरी, मैं आपको इसका सीक्वेंस ही बता देती हूँ। ये देखिए, ये जैसे कि रोमियो एंड जूलियट है 1595 में पब्लिश हुआ है, रिचर्ड टू 1595 में आया है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1598 रिटन ईयर है ये इनके, हेनरी फोर पार्ट वन 1600 में आया है क्लास, और ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं शेक्सपियर के वर्क हैं। ओके, रोमियो एंड जूलियट क्या है, ट्रेजेडी है, रिचर्ड टू, हेनरी फोर, ये इनके हिस्टोरिकल प्ले हैं, ऐसे इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट, अभी मैंने आपको बताया था राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज ए ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ एंड लास्ट में एक कपलेट यानी कि जी जी। तो ये हो गया इनका शेक्सपियरियन सोनेट का राइमिंग स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियरियन सोनेट क्या है, शेक्सपियरियन सोनेट का आंसर इसमें बन रहा है, आंसर इज डी, आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर डब्ल्यू एच, यस अननोन मिस्टीरियस पर्सन, ऐसे वर्ड लिखे मिलेंगे इनके साथ हमको, मिस्टर डब्ल्यू एच के साथ, और मिस्टर डब्ल्यू एच का फुल नेम क्या है, विलियम हर्बर्ट, मिस्टर विलियम हर्बर्ट, और इन्होंने इनको डेडिकेट किया अपने सोनेट्स। Who among the following gave a happy ending to King Lear? जैसा कि हम सभी जानते हैं King Lear is a tragedy, okay, by Shakespeare. But इसको फिर से अगेन लिखा और हैप्पी एंडिंग भी दी है इसको, किसने, नाहम टैट ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नाहम टैट ने ऐसा किया है कि हैप्पी एंडिंग करके शेक्सपियर का वर्क दोबारा लिखा और उसको एंड उसका हैप्पी में रखा, नॉट ट्रेजेडी। Who among the following women writers famously imagined the प्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इनमें से, जैसे कि ये सारी हमारी लेडी राइटर हैं हमारे जो ऑप्शंस में, तो इसका आंसर पहले मैं आपको बता दूँ, वर्जीनिया वुल्फ है, और इन्होंने क्या किया था क्लास कि जो शेक्सपियर की एक इन्होंने एक मतलब इमेजिंड सिस्टर जो है बताई थी, कौन है वो इमेजिंड सिस्टर, तो जूडिट थी वो, और अपने ही वर्क में बताई थी। वर्जीनिया वुल्फ इन्वेंटेड अ फिक्शनल कैरेक्टर जूडिथ, इन्होंने एक फिक्शनल कैरेक्टर इन्वेंट किया था अपने वर्क में, उसका नाम था जूडिथ, उसे इन्होंने शेक्सपियर का सिस्टर बताया था, एज शेक्सपियर सिस्टर, और किस अपने किस वर्क में, अ रूम ऑफ वंस ओन,
अ रूम ऑफ वंस ओन वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है। उसमें एक कैरेक्टर है जूडिथ, जिसको इन्होंने शेक्सपियर का सिस्टर बताया था। इनका ये वर्क 1929 में पब्लिश हुआ था, वर्जीनिया वुल्फ है। डिटेल मैंने बता दी तो आप देख लेंगे कि शेक्सपियर की सिस्टर को किसने इमेजिन किया था, वर्जीनिया वुल्फ ने किया था। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज़ द लॉन्गर एसे बाय, तो ये किसने लिखा है ये ऐसे, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, सो द आंसर इज सी, थॉमस डी क्विंसी ने लिखा था स्टूडेंट्स, एंड 1823 में पब्लिश हुआ था ये ऐसे वर्क जो है, ठीक है, थॉमस डी क्विंसी, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर एड्रेस द थीम ऑफ डैश इन हिज सोनेट, तो अगेन मैंने बताया था लव की थीम है, बाकी आप डी भी कंसिडर कर लेंगे, लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयलिटी, ये है थीम इनके सोनेट्स की, और अकेला लव है तो भी करेक्ट है। फॉलस्टाफ इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स, तो ये जो इनका वर्क है, ये जो कैरेक्टर है फॉलस्टाफ, हमें कहाँ मिलेंगे, डी, हेनरी फोर में मिलेंगे, पार्ट वन में, हेनरी फोर पार्ट वन, जो कि लिखा गया था 1600 में। फॉलस्टाफ मेन कैरेक्टर है हेनरी फोर के। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, ये बना है हमारा इंपॉर्टेंट कोटेशंस, और पूछ रहे हैं इज़ अ फेमस कोटेशंस फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के किस प्ले की है, हैमलेट की है, ये टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, हैमलेट का इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, शेक्सपियर की लिखी हुई लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए सोनेट्स का मैंने रखा है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको सीक्वेंस में बिठाना है, कि हमने बताया था आपको कि शेक्सपियर के सोनेट का टाइटल तो क्या है, जो सोनेट की फर्स्ट लाइन है, और वैसे नंबर लिखे जाते हैं, तो सोनेट नंबर 11, सोनेट नंबर 12, तो 11 का टाइटल क्या है या फर्स्ट लाइन क्या है वो पूछ ली गई है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ आंसर इज़ ए, और डिटेल में देख लेंगे सोनेट नंबर 11 इनका कौन सा है, ये वाला, एज फास्ट एज दो शेल्ट वैन सो फास्ट दो ग्रोस्ट, सोनेट नंबर 12 है जो कि इनका, दैट इज़ वैन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम, देन सोनेट नंबर 18 इज शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, एंड सोनेट नंबर 130 इज माई मिस्ट्रेस टाइम, और ये सारे ही सोनेट शेक्सपियर के लिखे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सोनेट नंबर उनका टाइटल आप देख लेंगे, आंसर हो जाएगा इसका ए, इसको लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउच आउट ब्रीफ कैंडल, ये लाइन किस वर्क में मिलेगी हमको, मैकबेथ में मिलेगी, ठीक है, मैकबेथ की कोटेशन है ये, मैकबेथ जो कि ट्रेजेडी वर्क है इनका, इसके मेन कैरेक्टर मैकबेथ होते हैं, मैकबेथ की वाइफ होती है लेडी मैकबेथ डंकन, एंड काफ़ी अच्छा है इनका ये वाला, आउट आउट ब्रीफ कैंडल इसकी ये लाइन है। मकबूल इज़ अ मूवी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर, ये सभी देखिए ये क्वेश्चन आया है थोड़ा, तो ये मूवी जो बनी थी मकबूल करके, तो शेक्सपियर के मैकबेथ वर्क पे बनी थी, मैकबेथ की स्टोरी को लेकर ये मूवी बनाई गई थी। स्टूडेंट्स हो गए हमारे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट आज के इस लेसन में, टोटल 32 MCQ कवर किए हमने शेक्सपियर को लेकर, और जैसे कि हर बार ही शेक्सपियर के क्वेश्चंस की कमी नहीं है, कितने भी हम पढ़ें कम रहेंगे वो, इनके वर्क्स ज़्यादा से ज़्यादा देखें, कैरेक्टर्स किस प्ले में कौन से कैरेक्टर हैं, एंड उनकी कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस आपको मिल जाएंगी, थोड़ा सा आप समरी सबकी देख लें हल्के फुल्के वे में, जैसे कि इनके टोटल 37 to 39 प्ले माने जाते हैं, सोनेट्स है 154, टू नरेटिव पोएम्स है, तो वो जो प्लेज हैं इनके जो भी आप सुनते रहते हो ना बार बार नाम आपके सामने आते हैं, किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट, एक बार इनकी स्टोरी समरी देखें समझें, स्टोरी जैसे समझ लें, यूट्यूब पे ही सुन सकते हो आप सर्च करके, मैंने भी बनाया वर्ड्स मैकबेथ का बनाया है, एज यू लाइक इट का बनाया है, तो जाके देख सकते हैं, मैं इसको लिंक इसका शेयर कर दूंगी। सो आज के लेसन में इतने ही पॉइंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।